लक्ष चंडी या कोटि चंडी यज्ञ काम के हैं? ओशो से जब यह पूछा गया तो वह इस प्रवचन में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। प्रवचन का नाम है समर्पित जीवन का विज्ञान। प्रश्न, भगवान श्री, एक छोटा सा सवाल है। कुछ दिन पहले आपने गुजरात में कोटि चंडी यज्ञ को मूर्खतापूर्ण बताया था, उसके क्या कारण थे, इस पर कृपया दो शब्द कहें। तो इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हैं ओशो अपने इस प्रवचन में। वह कहते हैं, वह तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपके कोई कोटि चंडी यज्ञ किसी काम के नहीं है, क्योंकि यज्ञ करने के पीछे जो भाव है, जो मन स्थिति है और जो मनुष्य चाहिए, वह मौजूद ही नहीं है। रिचुअल है, मुर्दा, मरा हुआ, इसमें कोई अर्थ नहीं है। यज्ञ ना भी करें, वह आदमी वापस लौटा लें जो यज्ञ का अधिकारी है, तो बिना कोटि चंडी यज्ञ किए वर्षा शुरू हो सकती है। असल सवाल कृत्य का नहीं है, असल सवाल भाव का है, गहरे भाव का है। हमने पिछले वीडियो में जो ये प्रवचन लिया था उसमें भी यह बात कही थी कि भाव खो गया है। और आप दरअसल क्या करते हैं, सवाल यह नहीं है वह करने वाला चित्त कौन है, सवाल वह है असली। तो वह तो है नहीं, वह तो गायब हो गया है। वे जो वहां यज्ञ की वेदी पर बैठे हुए हैं, वे जो इकट्ठे हुए हैं, उनका चित्त प्रार्थना पूर्ण जरा भी नहीं है। जब यज्ञ पूरा हो जाए तब जिन ब्राह्मणों ने यज्ञ करवाया उनके झगड़े को जाकर के आप देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे उनका भाव क्या है। किसी को कम फीस मिली, किसी को दक्षिणा कम मिली, कोई नीचे बैठ गया, कोई ऊपर बैठ गया, किसी को यह नहीं मिला, किसी को वह नहीं मिला, लाखों शिकायतें। इन लोगों ने यज्ञ करवाया है, कोई 10 रुपए की फीस पर आया है, रोज कोई 15 रुपए की फीस पर आया है। इनके द्वारा आप बादलों तक संदेश पहुंचाएंगे? क्या संदेश पहुंचाएंगे आप? एक मेरे मित्र हैं, कुछ दिन हुए मिलने आए हुए थे। पूरी जिंदगी उन्होंने जैन साधु साध्वियों को शिक्षण देने में ही बिताई है। साधु साध्वियों को धर्म की शिक्षा देते हुए उनकी पूरी जिंदगी बीत गई। न मालूम कितने साधु और साध्वी को उन्होंने ट्रेनिंग दिया, उनको प्रशिक्षित किया। मैंने उनसे पूछा कि जिंदगी हो गई आपकी पूरी, आप अब तक साधु क्यों नहीं बने हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा काम तो सिर्फ साधु साध्वियों को शिक्षा देने का है। सिखाते क्या है, मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा, सिखाते हैं साधु होना, कि साधु ठीक से कैसे होना है, साधु होने के नियम क्या क्या है, साधु की साधना क्या है। तो मैंने उनसे कहा, 40 वर्ष तक दूसरों को सिखाने के बाद भी अभी तक आपको ऐसा भाव आपके मन में नहीं आया कि आप भी साधु हो जाएं? तो जिनको आपने सिखाया, या उनको लगा होगा, उनको कैसा लगा होगा? कभी नहीं लगने वाला है। अब भी कहता हूं, आपके कोटि चंडी या लक्ष चंडी यज्ञ नहीं कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि यज्ञ करने वाली वह चेतना ही नहीं है हमारे पास जो होनी चाहिए। वही है अर्थपूर्ण, और वह हो तो पूरा जीवन ही यज्ञ हो जाता है, और वह हो तो ये यज्ञ जो आप करते हैं ये भी सार्थक हो सकते हैं। मैं निरंतर इनके खिलाफ बोलता रहा हूं। कई लोगों को भ्रम पैदा हो जाता है कि शायद मैं यज्ञ के खिलाफ हूं। मैं और यज्ञ के खिलाफ कैसे हो सकता हूं? लेकिन जिसे आप यज्ञ कह रहे हैं वह यज्ञ नहीं है, वह सिर्फ एक पाखंड है, वह सिर्फ एक धोखा है, दिखावा है, भ्रम है, छलावा है, व्यर्थ का जाल है। कभी सार्थक रहा होगा, लेकिन जिन लोगों की वजह से वह सार्थक था वे लोग अब हमारे बीच नहीं हैं, और उन लोगों को पैदा करें तो सार्थक हो सकता है। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी है। मैंने सुना है एक घर में छोटे बच्चे थे, तो बाप था बूढ़ा। छोटे बच्चे ही थे तभी बाप मर गया, लेकिन बच्चों ने देखा कि बाप खाना खाने के बाद में उठकर चौके में से दीवार पर जाता था। दीवार पर वहां पर एक आला था और उस आले में कुछ उठाता था, कुछ करता था। बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने उस आले को संभाल कर रखा। बाप कुछ करता नहीं था विशेष। दरअसल
आले में उसने एक सींक रख छोड़ी थी, सींक, दांत साफ करने वाली सींक, दांत साफ करने के लिए। तो लड़के बड़े हुए तो उन्होंने देखा था कि बाप खाना खाने के बाद में रोज आले पर जाता था। अब बाप की याद में वे भी आले पर जाने लगे। उनको पता तो था नहीं कि वहां पर सींक रखी हुई है, उससे वह दांत साफ करने जाता था। अभी उनके दांत भी इस योग्य थे क्योंकि वो बच्चे थे कि उनको कभी दांत साफ करने की जरूरत पड़े, तो ऐसा तो उनके साथ था नहीं। तो उन्होंने सोचा करना क्या वहां जाकर, तो वे नमस्कार कर लेते थे कि चलो ठीक है, शायद वो नमस्कार करने जाते होंगे। तो फिर जब वो बड़े हुए फिर उन्हें ऐसा लगा कि नमस्कार तो करते हैं, आले में कुछ है, कुछ खास तो है नहीं, सिर्फ एक सींक रखी हुई है। पर उन्होंने सोचा कि बाप गरीब था, पैसे लड़कों ने काफी कमाए, तो उन्होंने सोचा कि हटाओ इस सींक को। उन्होंने एक चंदन की लकड़ी खुदवाकर वहां पर रख दी। जब लकड़ी ही रखनी है तो इस सींक को क्या रखना, चंदन की लकड़ी खुदवा के रखवा दी, बहुत अच्छी बात। फिर और पैसा आया उनके पास, काफी पैसा कमाया उन्होंने और वे और बड़े हुए। फिर उन्होंने नया मकान बनवाया, तो उन्होंने कहा वह आला तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि वह उनके पिताजी का प्रतीक चिन्ह है। तो उन्होंने कहा कि अब आला क्या बनाना, एक छोटा सा मंदिर ही बना देते हैं, चलिए मंदिर बना लो। चंदन की लकड़ी छोटी पड़ने लगी, मंदिर बड़ा हो गया। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बड़ा स्तंभ ही बना लो। तो उन्होंने एक बड़ा स्तंभ बना दिया और वहां पर उन्होंने एक सोने का भव्य मंदिर के बीच में सोने का स्तंभ बनवा कर रख दिया। रोज खाना खाकर उसको नमस्कार करके अपने काम पर चले जाते थे। मैंने सुना है अब भी उनके घर में वही हो रहा है, आपके घर में भी वही हो रहा है, सभी घरों में वही हो रहा है। कभी जो बातें सार्थक होती हैं, जब वे व्यक्ति खो जाते हैं और बोध खो जाते हैं, तो उनके पीछे से उनकी प्रक्रिया खो जाती है। तब कोरे रिचुअल, डेड रिचुअल, मरे हुए क्रियाकांड शेष रह जाते हैं और फिर हम उनको करते हुए चले जाते हैं। और अगर उन्हीं क्रियाकांडों में से कुछ होता नहीं है तो भी हम सजग नहीं होते हैं, तो भी हम सजग नहीं होते हैं उनके प्रति कि बहुत भूल हो गई, बहुत। दरअसल मनुष्य की व्यक्तित्व की चेतना ही ऐसी है, वह चेतना वापस हो तो यज्ञ आज संभव है, लेकिन हम वह चेतना वापस लौटाने के लिए उत्सुक नहीं है क्योंकि चेतना को वापस लौटाना बहुत ही कठिन काम है। हम यज्ञ करने को बिल्कुल तैयार हैं कि ले जाओ 10 रुपया, ले जाओ 20 रुपया, ले जाओ 1000 रुपया, कुछ कर डालो, इसमें कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। बहुत से बहुत 10 रुपये का नुकसान होगा, करो। यज्ञ करने में उत्सुक हैं, यज्ञ की चेतना में हम उत्सुक नहीं हैं। और मेरा जोर इस बात पर है कि यज्ञ करने वाली चेतना हो तो ही सारा जीवन यज्ञ हो जाता है। फिर यज्ञ, यह जो यज्ञ की वेदी बनती है उस पर जो होता है उसकी भी सार्थकता हो सकती है। वह हमेशा करने वाले आदमी पर निर्भर करता है, वह कभी भी की जाने वाली क्रिया पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रवचन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे ओशो का प्रवचन जिसमें पूरा जीवन एक इकोलॉजी है, इस पर ओशो ने समझाया। ये 3 भाग में मैंने आपके सामने पेश किया। आज पूरे दुनिया भर में जब महामारी की चपेट में दुनिया है तो उस संदर्भ में यह प्रवचन काफी प्रासंगिक हो जाता है। तो आप देखते रहिए इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। अगर ये अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें।